हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। यार ये तो मुझे लड़की लगी। ये हाँ आप शूटिंग के बाद पैक करा दे आपको। पाजी आपको पता है मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। अच्छा क्योंकि मुझे पता है हाँ आदमी भले कच्चे में आ जाए हाँ औरतें साड़ी खरीदना नहीं छोड़ती। सही बोला। आपको अगर पता चले ना मैंने अपनी साड़ी की दुकान की मॉडलिंग के लिए किसको रखा है। हाँ। आप दो साड़ियां एक्स्ट्रा लेके जाओगे। पूछो कौन है। कौन कौन देखा देखा कितना इंटरेस्ट है मॉडल मॉडल में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब आ रही है कप्पू साड़ी की मॉडल। 1 2 3 म्यूजिक। पतली हो या जाड़ी पहनू कप्पू साड़ी। वेरी गुड क्या बात है क्या बात। कप्पू मेरा पैसा दो। अरे पहले रैंप वॉक तो कर दो। अभी मैंने क्या किया। सीधा सीधा तो कोई भी कर लेता है। थोड़ा इसके आसपास करना आओ फटाफट। ये क्या कर रहा है ये क्या है। अरे तुम्हारे आने से गर्मी हो गई ना इसलिए आग जला रहा हूँ। आग से और गर्मी होती है ना। अरे एसी चलाओ। लोहा लोहे को काटता है गर्मी गर्मी को काटती है। तुम रैंप वॉक करो मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ता हूँ। चलो 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 म्यूजिक। शादी कर रहा क्या। वाह 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 भाई वाह। मोहल्ले में शादी हो रही है और मुझे पता भी नहीं ये कौन शादी लड़े ये क्या तुम शादी कर रहे हो। चुप शादी कर रहे हो तुम लोग। ये क्या कर रहे हो। मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। ये मॉडलिंग की आड़ में ना तेरे से शादी करवा लिया तेरे को पता नहीं चल रहा। मैं आया रुक शादी। अरे कुछ नहीं पागल है रैंप वॉक करो फटाफट चलो मैं आ गया आता हूँ। भागो 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 आ जाओ। चले लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर तुम मेरे नर्स के साथ शादी करा ले। ओए इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना। बुझानी भी मेरे को मैंने मुक्का मारना सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं एक मिनट सिद्धू साहब। हाँ जी। ऐसे कौन मॉडलिंग कराता राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है। कोई नहीं हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ। नॉट आजा। इट्स सिस्टर नॉट डार्लिंग। अच्छा मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। नाराज मत होइए। एक्चुअली मॉडलिंग नाराज नहीं मैं गुस्सा हो रहा हूँ। देखो नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता। उसकी बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई। एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना। वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी इसे क्यों पहना रहे हो। चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेट है। चलो Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने ये लास्ट में क्या कहा। यहाँ रहना बेकार है। मेरा डेढ़ फेरा रह गया था। डेढ़ मेरा घर बस जाता। हाँ बच्चे तो मैंने 3-3 महीने बाद कर लेने थे।
मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनहूस नहीं मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब। क्या क्या देखना? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। एक मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो? हाँ, साड़ियां होके डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है, सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होके किडनी नहीं बेच सकते, अब कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते तो हम मर जाएं क्या? तो डॉक्टर को डॉक्टरी करो ना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है पता है तुमको। तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए? शर्ट आप आए मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है? टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा, आपको पता थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं सिद्धू। मेरी दुकान क्या? हटो, हट मेरी दुकान से। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब ये तो पता कुछ भी नहीं है, मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके ना आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभी में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। एक मिनट। आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? किससे पूछ कर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ, कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट है। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म, मरो अब, खत्म ही हो गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी। जानू किसकी जानू, क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ एकदम। जानू भाभी आप हमारी दुकान से साड़ी ले। क्या लगा रखा है? एक मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं क्यों? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। ए, तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं, आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा, जितना एरिया आपने घेरा ना इधर IPL हो सकता है। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। ए, 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 दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते, इसलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट, इधर आइए। आप देखिए ये साड़ी, देखिए एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी? हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है देखिए। इसका मतलब
इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर का रसगुल्ले का रस लगा होगा। ये वो गुलाब जामुन कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है मैडम। ये साड़ी लिए रहिए, ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है। आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। यार कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ, हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में? तो यार मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है, मतलब तुम साड़ी वाले हो क्या चाय वाले हो? ये चाय वाला जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाहर भी तो पहननी ही है। चाय वाले हो ना, जाके दो कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए तीन कप लेके आ। चल मेरे लिए चार कप लेके आ। चल चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के पैरासिटामोल नकले। देखिए ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं 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 यार, क्या है अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है, आप एक साड़ी लेंगे मैडम, दो रात और तीन दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ए छेड़ेलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है, आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम ये सब छोड़िए बकवास बातें, इधर आइए मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ, सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है, इधर आइए। रियली दिखाई? हाँ जी हाँ जी, ये देखिए मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियाँ मेरी दुकान से गई थी। एक मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी नहीं थी, तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके दुकान में माधुरी दीक्षित ने साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो, सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा। आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीबी कहेगी आई 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 आई। हमारी साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है, एंजेलिना जोली मेरी साड़ी पहनती है। ए, 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 आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं, देखो शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे, अपनी आवाज बंद रखो, समझे, बंद रखो। हाँ आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है, अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो चार पांच अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को, कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। ए, 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 ए। आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। ए, इनको क्या ए करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो, कब से ए लगा रखा है। हेलो ए ए ए ए, क्या कर रहे हो, साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहने पकड़ी। हाँ, पहने। देखिए माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे, पेट छुप गया। देखिए क्या कर रहे हैं आप। मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना ये साड़ी का कपड़ा देखिए, ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता, तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रही इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती,
ये साड़ी ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है, आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है अभी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको, आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं, इनके ऊपर है ना साड़ी, जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, ओ क्या आग लग जाएगी, बकवास लग रही है यार ये साड़ी, क्या बस बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो, आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो, आपकी कहाँ है, ये तो हमारी है। अरे यार तो तुम्हारी साड़ी उतारो, तो हमने कहाँ पहनी है यार। पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी, पुलिस पुलिस आ गई। हो क्या रहा इधर, कपिल शर्मा शो। ये जो दुकान है तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है, बंद करेंगे। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है इधर, सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप साड़ी वहां से खरीदें, तो देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियां लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं। शट अप, यू शट अप। ये देखो ये शट अप क्या होता है, अभी शट अप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना तो उसे शट अप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चांटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू दो चाय लाना। अभी लाया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.